क्या तुम तीनों एक साथ कैसे? सर मेरा ट्यूशन में लेट हो गया है इसलिए मैं लेट से आई। ओ, लेकिन मुझे तुम तीनों को देख के एक मस्त एग्जांपल याद आ रहा है। क्या सर, एक नादान लड़के के सामने एक हैंडसम बॉय ना? मेरा इंट्रोडक्शन। नहीं, एक खूबसूरत फूल के सामने भिंगराती दो मधुमक्खी, सामने वही मधु खाने वाला एक मोटा। ये किसने कहा? किसने कहा रे? सामने जा, नहीं तो मार खा जाएगा। हाँ ठीक है। अब बेटा तुम ना स्कूल में आने से पहले कुछ बात याद रखना, दरअसल यहाँ पे कुछ लफंगे लड़के भी रहते हैं। सर खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चुप सर। बेटी तुमने अपना नाम क्या बताया? अपर्णा। उनका नाम है ले लिया। अरे एमसी गोलू। तुम लोगों से किसने पूछा? हाँ बेटी, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रीम। भाई सर ने क्या बोला, इसका मतलब क्या? तुमने कल रात कौन सा सपना देखा? लड़की के सपना जान के क्या करेगा, छोड़ ना मेरा क्या। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। खरोच सुई लगाने वाली। भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके इसको 10-15 हजार का घिसा पिटा सरकारी नौकरी करना है। आपको तो पता ही है उनका मंथली 1-1.5 लाख का पैकेज रहता है। सर आपने तो कभी हमारे सपने के बारे में नहीं पूछा। तो तुम दोनों का भी सपना है। ठीक है तो बताओ मुझे, तुम दोनों बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इसका पति 1.5 लाख कमाता है भाई, तू क्या बनना चाहता है? मैं लड़की और पैसों के पीछे कभी नहीं भागता, मैं सपने के पीछे भागता हूँ। देन तुझे क्लास के वो सपना ही पसंद आया? ड्रीम सपना, और सपना तभी आता है जब मैं सोता हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन सोया रहता हूँ गोलू। वाह क्या बातें हो रही हैं? क्यों ना जरा मत मारा कन्या दान कर दूँ। मजाक कर रहे थे। मुझे एक चाय का दुकान खोलना है, 10th फ्लोर चाय वाला। और तुम्हें? मुझे वही चाय का दुकान बंद करना है, लेकिन भाई चाय के दुकान में मैं ही चाय बनाऊंगा। हाँ, ये बात तुम लोगों से जरूर सीखनी चाहिए। दोस्ती पे गोलू ने अपने ऊपर सारा काम ले लिया। नहीं सर, इसको प्रधानमंत्री बनना है। यार ये किन लोगों को भेज दिया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आप बेटी तुमने क्या एप्पल का नाम सुना है? हाँ सर। भाई बताएंगे एप्पल का सीईओ कौन है? सीईओ हाँ, एप्पल का सीईओ है बाबर। एप्पल का पहला वर्ड बताओ। सर ए। तुम पास हो गई। भाई ये तो बहुत इजी एग्जाम है, हर साल यही क्यों नहीं कराते? सर पूछो इसी रिलेटेड पूछना। हाँ ठीक है इसी से रिलेटेड पूछूंगा। एप्पल गिरा ना न्यूटन के ऊपर, न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ। भाई मुझे आता है, मैंने तो पढ़ा था। हाँ भाई न्यूटन कौन है? न्यूटन? अरे न्यूटन तो हमारे मोहल्ले के दूध वाला का नाम है। अरे भाई वो किताब में आ गया। वो तो स्कूल भी कभी नहीं गया, हमने इतना पढ़ा हम किताब में आए ही नहीं। क्या कहा, तुम लोग भी किताब में आना चाहते हो? हाँ, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ पेपर में तुम लोग जरूर आ सकते हो। स्कूल के दो छात्र हुए फेल और बने अपराधी। सर आपने शायद पूरा हेडलाइन नहीं सुना। स्कूल के दो छात्र हुए फेल, अपने खरुस टीचर को दिया फेल और उन्हें हुई 4 साल का जेल। क्या भाई क्या बातें कर रहे हो? शांत हो जाओ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। सर आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया है। अरे बेटा तुम लोग पास हो, तुम्हें किसने बुलाया? बेटा तुम जाओ।